कई लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न गौंधता रहता है कि अगर ईश्वर जगत का स्वामी है, जैसा कि वेद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, वो ईश्वर ही सृष्टि करता है, तो फिर भगवान से उत्पन्न ये संसार दुखमय क्यों है? भगवान ने इस संसार को अज्ञानमय क्यों बनाया, दुखमय क्यों बनाया? जैसे संसार में हाथी से हाथी पैदा होता है, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है, हाथी से मनुष्य उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे ही वेद के अनुसार ईश्वर आनंदमय है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात रसो वै सह, तो ऐसे आनंदमय ईश्वर से उत्पन्न ये जगत दुखमय क्यों है? यहां केवल दुख ही दुख है, त्राही त्राही है, अशांति ही अशांति है, अपूर्णता है, अतृप्ति है, जबकि भगवान वो नित्य आनंदमय है, नित्य ज्ञानमय है, सदा तृप्त है, शांत है। इतना विरोध क्यों? संक्षेप में इसका उत्तर समझ लीजिए। भगवान ने ये संसार बनाया नहीं, उन्होंने संसार को केवल प्रकट किया है। जैसा ये संसार पहले था उसी रूप में केवल प्रकट कर दिया। सृष्टि शब्द का अर्थ ही ये है। संस्कृत में सृज धातु होती है जिससे ये सृष्टि शब्द बना है, तो उसका अर्थ है सृज विसर्गे यानी छोड़ना, छोड़ने के अर्थ में ये सृज धातु है जिससे ये सृष्टि शब्द बना। छोड़ना मतलब, जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा, वो कुछ छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि देखो बच्चों, मैं अपनी मुट्ठी में मक्खी बना सकता हूं, तुमको जादू दिखाऊं। बहुत से बच्चे ऐसे करके मक्खी पकड़ लेते हैं, मक्खी पकड़ने में क्या है? तो पहले से अपनी मुट्ठी में मक्खी लिए हुए और उन बच्चों से कहता है कि मैं अभी इसी समय मुट्ठी में मक्खी बनाकर दिखा सकता हूं। तो उन बच्चों ने कहा, अच्छा बड़ा आया मक्खी बनाने वाला, दिखा। तो उसने जैसे ही मुट्ठी खोली और मक्खी उड़ गई। वो कहता है देखा, यानी मक्खी बनाया नहीं, पहले से ही मक्खी लिए हुए था मुट्ठी में, उसे केवल उसने छोड़ दिया। ये है छोड़ना। तो ऐसे ही भगवान ने संसार कोई नया नहीं बनाया। जिस स्थिति में ये संसार महाप्रलय में भगवान के महोदर में लीन था, उसी स्थिति में इस संसार को प्रकट कर दिया। जैसे क्रिकेट मैच होता है, टेस्ट मैच, 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का, उसमें क्या होता है? एक दिन जहां पर खेल समाप्त हुआ पहले दिन, तो दूसरे दिन सारे खिलाड़ी उसी पोजीशन में खड़े कर दिए जाते हैं। पहले दिन जो मैच हुआ, मान लीजिए उसमें किसी खिलाड़ी ने 99 रन बनाए और 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो दूसरे दिन 10 बजे जब मैच प्रारंभ होगा तो उसमें पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया जाता है इस खिलाड़ी के 99 रन हैं और 4 खिलाड़ी आउट हैं। सब अपनी अपनी जगह पर उसी पोजीशन में खड़े कर दिए जाते हैं और इसके बाद मैच प्रारंभ हो जाता है। तो अब
इस मैच को देख करके कोई नया व्यक्ति जिसे इस मैच की कोई नॉलेज नहीं, जिसने टेस्ट मैच कभी देखा नहीं, वो ही भोला व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि अरे ये क्या अन्याय है एम्पायर का, अभी अभी तो मैच शुरू हुआ है और अभी से इस खिलाड़ी के लिए बोर्ड पर लिख दिए गए हैं इसके 99 रन, और खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ, चार खिलाड़ियों को आउट लिख दिया है। वही भोला व्यक्ति प्रश्न करेगा जिसे कोई नॉलेज नहीं। तो ऐसे ही संसार के विषय में भी वही भोले भाले लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने इस संसार में दुख भर दिया है, ये भगवान का कैसा अन्याय, जबकि भगवान ने कोई दुख भरा भरा नहीं, ये सब तो हमारी अपनी अपनी कमाई। जैसे दूसरे दिन उसी पोजीशन में मैच प्रारंभ होता है, एम्पायर खड़ा हो जाता है जजमेंट देने के लिए, अब सब अपना अपना रन बनाओ, अपना अपना खेलो, उसमें एम्पायर से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने केवल पूर्व स्थिति में इस संसार को प्रकट कर दिया, कुछ नया नहीं बनाया। अब तुम अपनी अपनी कमाई करो, अपना कर्म करो, उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। अरे ऐसा तो संसार में कोई इंसान भी नहीं करता कि किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है और बिना दुश्मनी के कोई किसी का अहित कर दे, तो भला भगवान ऐसा कैसे कर सकता है। तो वेद में बड़ा सुंदर निरूपण है, यथोर्णनाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्या मौषधयः संभवन्ति। जैसे एक मकड़ी वो अपने ही मुख से जाल निकालती है और फिर पुनः उस जाल को समेट लेती है अपने भीतर, ऐसे ही भगवान इस संसार को प्रकट करते हैं और उसी प्रकार महाप्रलय में संसार को अपने अंदर लीन कर लेते। यानी आज जो सृष्टि है उससे पहले महाप्रलय था और उस महाप्रलय से पहले सृष्टि थी, उस सृष्टि से पहले भी महाप्रलय था। यानी ये क्रम अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है सृष्टि का ये क्रम। तो जैसे उस मैच देखने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि इससे पहले भी एक दिन खेल हो चुका है, इसीलिए अमुक खिलाड़ी के 99 रन लिखे गए हैं, इसीलिए चार खिलाड़ी आउट लिखे गए, वो सोचता है आज ही खेल प्रारंभ हुआ है, इसीलिए अज्ञानतावश ऐसा प्रश्न करता है, ऐसी शंका मस्तिष्क में लाता है कि ये एम्पायर का अन्याय है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र भी अनादि है, भगवान ने कुछ नया नहीं बनाया। धाता यथा पूर्व मकल्पयत, पूर्ववत सृष्टि को भगवान ने केवल प्रकट कर दिया। जैसे पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के बीज बिखेर देता है, तो अब जैसा वो बीज है वैसा ही वृक्ष वहां उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग बीज थे, अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हो गए। इसमें फेंकने वाले का कोई पक्षपात नहीं है, उसने तो एक जैसे बीज फेंक दिए। अब वो बीज जिस प्रकार का था वैसा ही वृक्ष उत्पन्न हो गए। तो ऐसे ही हमारा जो बीज कर्म का जिस प्रकार का है, उसी पोजीशन में उसी कर्म के साथ भगवान ने हमको प्रकट कर दिया। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जो दुख हमें संसार से मिलते हैं वो सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो भगवान ने संसार बनाया नहीं, उसमें कोई दुख भरा नहीं, पूर्व स्थिति में इस जगत को केवल प्रकट किया है
इसीलिए कभी भी ये प्रश्न अपने मस्तिष्क में ऐसी शंका कभी नहीं लानी चाहिए कि भगवान ने इस संसार को दुखमय बनाया है।